कंपनी की तरफ से यानी कि TVS की तरफ से इस पर आपको 2000 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है। फेस्टिव सीजन स्टार्ट हो गया है और मैं आ गया हूँ TVS के डीलरशिप पर। नई प्राइस लिस्ट अभी मेरे साथ में है, कौन कौन से मॉडल आ रहे हैं, किस पर कितना डिस्काउंट मिल रहा है, वो सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। ये देखिएगा TVS की यहाँ पर सभी बाइक एंड स्कूटर लगे हुए हैं। ये रही लेटेस्ट वाली प्राइस लिस्ट, ब्रांड की तरफ से भी TVS की तरफ से भी आपको डिस्काउंट मिलेगा एंड डीलरशिप के भी तरफ से आपको डिस्काउंट मिलने वाला है। तो भाई ये वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, सभी वेरिएंट्स मैं आपको दिखाने वाला हूँ, सभी की कीमत बताने वाला हूँ। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष स्वागत करता हूँ आपका टेक्निकल SST यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले बात कर लेते हैं TVS XL 100 की, जिसमें टोटल 1, 2, 3, 4, 5 मॉडल आते हैं। ठीक है, इसकी शुरुआत हो जाती है लगभग 40,000 रुपये से एक्स शोरूम में। ऑन रोड आते आती अपन को मिल जाएगी 52,000 रुपये के आसपास। एंड जो इनका टॉप एंड मॉडल आता है XL 100 HD ITS विनर एडिशन के नाम से, इसकी एक्स शोरूम प्राइस है लगभग 60,000 रुपये। ऑन रोड आते आते ये मिल जाएगी 76,000 रुपये के आसपास। अब चलते हैं इनके स्कूटर सेगमेंट में, जहाँ पर शुरुआत हो जाती है स्कूटी Z से। इसमें 2 मॉडल आते हैं, BS6 और मैट सीरीज़। बेस वेरिएंट की एक्सरूम प्राइस है लगभग 72,000 रुपये और जो टॉप एंड मॉडल आता है उसकी एक्सरूम प्राइस है लगभग 76,000 रुपये। ऑन रोड आते आते मिल जाएगी लगभग 87,000 रुपये के आसपास और जो टॉप एंड मॉडल है उसकी प्राइस जाती है ऑन रोड लगभग 90,000 रुपये के आसपास। बात कर लेते हैं इनके स्पोर्ट्स स्कूटर सेगमेंट की, जो कि एंटॉर्क सीरीज़ में आता है और इसमें मल्टीपल वेरियंट्स आते हैं, एंटॉर्क 125, ड्रम, डिस्क, रेस एडिशन, सुपर स्क्वाड एडिशन, XP और XT, इतने सारे वेरियंट आते हैं एंटॉर्क में। देखो ये रेस एडिशन खड़ा हुआ है, ये रेक्स, ये रेस XP बिल्कुल नया वाला है। इसकी बेस वेरिएंट में एक्स रूम प्राइस है लगभग 85,000 रुपये, ऑन रोड आते आते मिल जाएगी ये 1,03,000 रुपये के आसपास। और जो इनका XT टॉप एंड वेरिएंट आता है उसकी एक्स रूम प्राइस है लगभग 1,08,000 रुपये। ऑन रोड आते आते ये स्कूटर टॉप मॉडल में मिलेगा 1,27,000 रुपये के आसपास। इंडिया में अगर स्कूटर सेगमेंट की बात की जाए तो इनका जुपिटर सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है, काफ़ी ज़्यादा बिकता है ये और ये काफ़ी ज़्यादा रिलायबल भी होता है। ये 110cc में भी आता है, 125cc में भी आता है। 110cc को तो कंपनी ने अभी हाल ही में अपडेट किया है। ये देखो सामने जो मॉडल आपको दिख रहा है ये 110cc वाला है एंड ये जो खड़ा है ये 125cc वाला है। इनमें भी मल्टीपल वेरिएंट्स आते हैं, वेरिएंट्स की कोई भी कमी नहीं है। ड्रम, डिस्क, ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी, बहुत सारे वेरिएंट आते हैं। जुपिटर 110 के बेस वेरिएंट की एक्सोरूम प्राइस है लगभग 75,000 रुपये, ऑन रोड आते आते ये 91,000 रुपये के आसपास मिल जाएगा। उसके ऊपर ये अलॉय वाला वेरिएंट आता है, इसकी एक्सोरूम प्राइस है लगभग 79,000 रुपये, ऑन रोड आते आते ये मिल जाएगा 96,000 रुपये के आसपास। उसके ऊपर आता है क्लासिक, फिर आता है ZX, ठीक है, ZX डिस्क की एक्सोरूम प्राइस है लगभग 90,000 रुपये एक्सोरूम में, ऑन रोड आते आते ये मिल जाएगा आपको 1,10,000 रुपये के आसपास। ये देखो यहाँ पर ये 110 वाले पुराने वाले मॉडल खड़े हुए हैं और 125 ये खड़े हुए हैं। 125 में टोटल 3 कलर, 1, 2, 3 ये खड़े हैं। मल्टीपल वेरिएंट्स आते हैं डिस्क में, ड्रम में, ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी के साथ में। 125 के ड्रम की एक्सोरूम प्राइस है लगभग 84,000 रुपये, ऑन रोड आते आते मिल जाएगा 1,02,000 रुपये के आसपास। और जुपिटर 125 टॉप एंड मॉडल में इसकी एक्सोरूम प्राइस जाती है लगभग 98,000 रुपये, ऑन रोड आते आते ये मिलेगा 1,18,000 रुपये के आसपास। अब बात कर लेते हैं इनके बाइक सेगमेंट की, शुरुआत हो जाती है इनकी TVS स्पोर्ट से। इसमें 2 वेरिएंट आते हैं, एक होता है इलेक्ट्रिक स्टार्ट और दूसरा है किक स्टार्ट। किक स्टार्ट में इसकी एक्सोरूम प्राइस है लगभग 62,000 रुपये और इलेक्ट्रिक स्टार्ट में यानी कि सेल्फ स्टार्ट में इसकी एक्सोरूम प्राइस है 65,000 रुपये। बेस मॉडल में ये ऑन रोड आते आते आपको 74,000 रुपये के आसपास मिल जाएगी और टॉप एंड मॉडल में इलेक्ट्रिक स्टार्ट के साथ में यानी कि सेल्फ स्टार्ट के साथ में ये बाइक 80,000 रुपये के आसपास मिल जाएगी। कंपनी की तरफ से यानी कि TVS की तरफ से इस पर आपको 2000 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। अब बात कर लेते हैं TVS स्टार सिटी प्लस की, जो कि अभी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। इसमें टोटल 3 वेरिएंट आते हैं, डुअल टोन, मोनोटोन, ठीक है, और डिस्क वेरिएंट। बेस वेरिएंट में इसकी एक्सोरूम प्राइस रहती है 72,000 रुपये, टॉप एंड मॉडल में जाती है प्राइस एक्सोरूम में 76,000 रुपये। 72,000 वाली ऑन रोड आते आते आपको मिलेगी लगभग 87,000 रुपये की और 76,000 वाली ऑन रोड आते आते आपको मिलेगी लगभग 92,000 रुपये के आसपास। भाई अब बात कर लेते हैं इनके TVS रेडियोन की, जो कि हैवी ड्यूटी व्हीकल है एंड काफ़ी ज़्यादा रिलायबल है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ में आता है। उसमें कई सारे वेरिएंट आते हैं, टोटल 4 वेरिएंट है। 110cc की ये बाइक है, ड्रम में भी आती है, डिस्क में भी आती है, डुअल टोन और भी बहुत सारे ऑप्शंस। इसकी एक्सोरूम प्राइस स्टार्ट हो जाती है TVS रेडियोन की लगभग 69,000 रुपये, ऑन रोड आते आते ये मिल जाएगी आपको
84,000 रुपये के आसपास। और टॉप एंड मॉडल में इसकी एक्स शोरूम प्राइस आती है जिसमें आपको फुल्ली डिजिटल मीटर मिलता है लगभग 84,000 रुपये। ऑन रोड आते आते ही आपको मिल जाएगी 1,00,000 रुपये के आसपास। चलते हैं 125 सीसी के सेगमेंट में, जहां पर इनकी रेडर जो है सेगमेंट में किंग बनी हुई है। एंड इसमें टोटल 6 वेरिएंट आते हैं। ये ड्रम में भी आती है, डिस्क में भी आती है, कनेक्टेड एडिशन में भी आती है। इसमें आपको सुपर स्क्वाड एडिशन भी मिल जाएगा, सिंगल सीट स्प्लिट सीट दोनों ऑप्शन के साथ में है। ये देखिएगा ड्रम में यानी कि बेस वेरिएंट में इसकी एक्सरूम प्राइस है लगभग 85,000 रुपये। ऑन रोड आते आते ये मिलेगी 1,02,000 रुपये के आसपास। कनेक्टेड एडिशन यानी कि सबसे टॉप एंड मॉडल जो इनका है, इसकी एक्सरूम प्राइस है 1,06,000 रुपये। ऑन रोड आते आते ये मिलेगी 1,27,000 रुपये के आसपास। अब जैसे कि ये देखो येलो कलर खड़ा हुआ है, इसमें नए स्टिकर्स लगा कर दे दिए कंपनी ने, है ना, अल्टीमेट। ये देखो रेडर इधर साइड में सब जगह विकेट विकेट एडिशन। क्रूजर सेगमेंट की अगर बात की जाए तो रॉयल इनफील्ड को कड़ी टक्कर दे रही है इनकी TVS की रोनिन, ठीक है, जावा ESD वगैरह को भी कड़ी टक्कर दे रही है क्रूजर सेगमेंट में। केवल इतना ही नहीं, होंडा बिग विंग को भी काफ़ी अच्छा कॉम्पिटिशन ये दे रही है। इसमें भी कई सारे वेरियंट आते हैं। इसकी एक्सरूम स्टार्टिंग हो जाती है बेस मॉडल में 1,49,000 रुपये से, ऑन रोड आते आते जाती है 1,80,000 रुपये के आसपास। और जो इसका टॉप एंड मॉडल है, इसकी एक्सरूम प्राइस जाती है 1,72,000 रुपये। ऑन रोड आते आते ये मिल जाएगी 2,05,000 रुपये के आसपास। अब बात कर लेते हैं उसकी जिसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हो, इनकी अपाचे सीरीज़ की। ये 160 सीसी में भी आती है, 180 में भी आती है, 200 में भी आती है, लिमिटेड एडिशन भी इसमें आते हैं, डुअल चैनल सिंगल चैनल 2V 4V बहुत सारे वेरिएंट जो हैं इसमें आते हैं। 310 में भी आती है, RTR RR, है ना, इन्हीं सब का आप वेट कर रहे हो। चलिए मैं आपको प्राइस बताता हूँ एक एक करके। सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे बेस मॉडल की, जो कि अपाचे RTR 160 2V का है। इसमें सिंगल डिस्क डुअल डिस्क बेस वेरिएंट में इसकी एक्सरूम प्राइस रहती है लगभग 1,20,000 रुपये। ऑन रोड आते आते ये आपको मिल जाएगी 1,45,000 रुपये के आसपास। उसके ऊपर डुअल डिस्क इसकी एक्सरूम प्राइस रहती है 1,23,000 रुपये। ऑन रोड आते आते ये मिल जाएगी 1,48,000 रुपये के आसपास। और भाई इसमें फिर RM एडिशन भी आता है, इसकी एक्सरूम प्राइस रहती है 1,30,000 रुपये। ऑन रोड आते आते ये मिल जाएगी 1,56,000 रुपये के आसपास। 2V में ही एक इनका नया एडिशन लॉन्च किया गया है रेसिंग एडिशन के नाम से, इसकी एक्सरूम प्राइस है 1,30,000 रुपये। ऑन रोड आते आते ये आपको मिलेगी 1,57,000 रुपये के आसपास। अब बात कर लेते हैं अपाचे 164V की डिस्क ब्लूटूथ में, इसकी एक्सरूम प्राइस है 1,33,000 रुपये। ऑन रोड आते आते ये 1,62,000 रुपये के आसपास मिलेगी। और स्पेशल एडिशन के नाम से भी आता है इसमें, ये देखिएगा। एंड एक स्पेशल एडिशन में ये खड़ी हुई है, ये देखो सिंगल चैनल ABS डुअल चैनल ABS। स्पेशल एडिशन में इसकी एक्सरूम प्राइस है 1,35,000 रुपये। ऑन रोड आते आते ये मिलेगी 1,64,000 रुपये के आसपास। डुअल चैनल ABS की अगर बात की जाए तो 164V में इसकी एक्सरूम प्राइस रहती है 1,40,000 रुपये। ऑन रोड आते आते ये मिलेगी 1,70,000 रुपये के आसपास। भाई अब बात कर लेते हैं अपाचे 180 की, ये देखो यहाँ पर ये खड़ी हुई है दो दो कलर में। इसकी एक्सोरूम प्राइस है 1,35,000 रुपये। ऑन रोड आते आते ये मिलेगी 1,63,000 रुपये के आसपास। अब बात कर लेते हैं अपाचे RTR 204V की, ये देखिएगा इधर ये खड़ी हुई है। इसमें दो वेरिएंट आते हैं, सिंगल चैनल ABS और डुअल चैनल ABS। सिंगल चैनल ABS में इसकी एक्सोरूम प्राइस है 1,48,000 रुपये। ऑन रोड आते आते ये मिल जाएगी 1,76,000 रुपये के आसपास। और जो डुअल चैनल वाला इनका एडिशन है उसकी एक्सोरूम प्राइस है 1,53,000 रुपये। ऑन रोड आते आते ये मिलेगी 1,82,000 रुपये के आसपास। यदि आपको थ्रिल पसंद है, रेसिंग DNA है आपके अंदर, तो अपाचे RTR 310 की तरफ आप जाओगे। उसमें तीन वेरिएंट आते हैं, बेस फिर येलो ब्लैक, है ना, उसमें हीटेड वाला भी सिस्टम है, उसकी मैंने वीडियो की हुई है, लिंक आई बटन में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसकी एक्सरूम स्टार्टिंग हो जाती है 2,49,000 से, ऑन रोड आते आते मिलेगी 2,90,000 रुपये के आसपास। टॉप एंड मॉडल में जाएगी अपाचे RTR 310 की एक्सरूम प्राइस 2,67,000 रुपये। ऑन रोड आते आते 3,10,000 रुपये के आसपास। उसके ऊपर अपाचे RR 310, इसकी भी कीमत मैं आपको बता देता हूँ, इसकी एक्सरूम प्राइस रहती है 2,72,000 रुपये। ऑन रोड आते आते आपको मिलेगी 3,15,000 रुपये के आसपास। ये सभी बाइक की जो मैंने आपको प्राइस बताई है, स्कूटर की जो मैंने आपको प्राइस बताई है, इसमें से कंपनी की तरफ से अभी केवल और केवल TVS स्पोर्ट पर ही 2,000 रुपये का आपको डिस्काउंट मिल रहा है। लेकिन यदि आप इन बाइक्स को स्कूटर को डीलरशिप से ही लोगे तो भाई वहाँ जाकर आप ज़रूर कहना कि आपको एडिशनल डिस्काउंट वो दें। हर डीलरशिप पर आपको अलग अलग डिस्काउंट देखने को मिलेगा, जैसे कि यहाँ पर आपको सभी बाइक्स पर 2,000 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। और इसी के साथ साथ
कुछ लकी ड्रॉ भी हैं, स्क्रैच कूपन्स हैं, गिफ्ट आपको मिलेंगे और भी बहुत कुछ। ये जो मैंने अभी आपको सभी बाइक स्कूटर की प्राइस बताई है उसकी लिस्ट आपके सामने है। ये देखो मॉडल नेम लिखे हुए हैं, एक्सोरूम प्राइस, ठीक है, ये थोड़ी बहुत एक्सरीज प्राइस, रजिस्ट्रेशन चार्जेस, ये देखो इंश्योरेंस, और ये रही ऑन रोड प्राइस। एक रफ आइडिया आप इससे ले लीजिए, पूरी लिस्ट आपके सामने है सभी वेरिएंट्स की, ये लो। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो जो एप्ली काफ़ी ज़्यादा स्पेशल रही होगी, सभी की प्राइस आपको पता लग गई होगी। भाई डीलरशिप की तरफ से आपको हर गाड़ी पर 2000 रुपये का डिस्काउंट देखने को मिल रहा है, एंड इसी के साथ साथ एक गिफ्ट आपको मिलेगा एंड स्क्रैच कूपन भी आपको मिलने वाला है, ठीक है। यदि आप इन सभी बाइक के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैंने इनका सभी का डेडिकेटेड वॉकराउंड किया है, राइड रिव्यू किया है, सभी वीडियोस ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल हैं, लिंक आई बटन में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों बस फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही, मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, फटाफट से लाइक कर दीजिए, मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कर दीजिए। अगर आपका कोई भी सवाल है, कोई भी सुझाव है, कमेंट करना ना भूलिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई टेक्निकल SST यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और टेक्निकल SST इंस्टाग्राम एंड अभी पर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस और इंपॉर्टेंट वीडियोस, जी हाँ भाई इंपॉर्टेंट वीडियो समय समय पर लाता रहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।